स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपको दिन भर की स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराने की कोशिश करता हूं और एक एक खबर का डीप एनालाइज करके दिखाता हूं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहां पे सबसे पहली खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है नेपाल को लेकर, और नेपाल ने इस बार फिर से एक ऐसी आप समझ सकते हैं कि गलत हरकत की है जिससे अब भारत भी तिलमिला गया है। दोस्तों आपको बताते हैं कि बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास अभी फायरिंग हुई थी, सुबह की घटना है ये। और जानकारी के मुताबिक जो सीतामढ़ी का लालबंदी बॉर्डर है उसके पास नेपाल सशस्त्र पुलिस के जवानों की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें खेत में काम कर रहे एक भारतीय शख्स की मौत हो गई, वहीं दो अन्य घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल के डीजी कुमार राजेंद्र चंद ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा कि ये एक स्थानीय मुद्दा है, साथ ही उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के आधार पर अभी ये रिपोर्ट आगे यानी कि गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सीमा सशस्त्र बल के डायरेक्टर ने कहा कि फायरिंग की घटना को लेकर SSB की 91वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाल के समकक्ष जो उनके अधिकारी हैं उनसे बात की है, साथ ही उन्होंने सीतामढ़ी जिले के SP से भी बात की है और घटना की जानकारी दी है। कमांडेंट लगातार दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, खुद इस मामले को देखेंगे और ये मामला अब जांच का बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस युवक की मौत हुई है वो 25 साल का युवक था, जबकि अन्य दो लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। सीमा सशस्त्र बल के फ्रंटियर हेडक्वार्टर ने बताया है कि फायरिंग की घटना नेपाल के इलाके में हुई, हालांकि इस घटना से बॉर्डर पर भारतीय जवानों ने अपनी गश्त भी तेज कर दी है। यही दोस्तों आपको बता दें कि सीतामढ़ी के जो SP है उन्होंने बताया कि ग्रामीण और जो नेपाल सशस्त्र पुलिस के जवान थे उनके बीच झड़प भी हुई, जिसमें नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है। यानी कि दोस्तों पूरा का पूरा मामला आप समझ सकते हैं कि नेपाल जो है वो तिलमिलाया हुआ है इस वक्त, क्योंकि वो भारत की जो रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, लिपुलेख दर्रा जो बना है उसकी वजह से वो भारत पर भड़क रहा है। दोस्तों उसने जिस तरीके से भारतीय लोगों को निशाना बनाया वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि बिना हथियारों के आप किसी को भी या तो आप अरेस्ट कर सकते हो अगर कोई गलती होती है, या फिर आप उसके अधिकारियों से बात कर सकते हैं, लेकिन गोली चलाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, खास करके मुझे भी ये बात समझ में आ रही है कि नेपाल ने ये काम या नेपाल के जो जवान हैं उन्होंने ये जानबूझकर ये काम किया है। और साथ ही दोस्तों आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो सीमा सशस्त्र बल के जो हेड हैं उन्होंने ये बोला है कि इस रिपोर्ट को हमने गृह मंत्रालय भेजा है, यानी कि मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं घटना स्थानीय स्तर पर हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन गृह मंत्रालय तक अगर ये रिपोर्ट पहुंचती तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है और सेंसिटिव भी है, और इस तरीके की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है नेपाल की इस करतूत के बारे में, जिस तरीके से वो भारतीयों के साथ कर रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि नेपाल को जवाब देना इस वक्त बेहद ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि वो चीन की चाल में वैसे भी फंस रहा है और चीन के बल पर ही वो भारत के लोगों के साथ भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। आपका क्या कहना है आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये मुद्दा काफ़ी गंभीर बना हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है हथियार कंपनियों को लेकर, और आपको बता दें कि हथियार कंपनियों को लेकर आपको बता दें कि सेना को हथियार और अन्य सहायक उत्पादों की सप्लाई का ठेका लेने वाली कंपनियों को उत्पादों की सप्लाई का 4 महीने का वक्त दे दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैनिकों के साजो सामान की डिलीवरी तयशुदा वक्त से 4 महीने के बाद की जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने ये छूट केवल घरेलू कंपनियों को दी है। जहां तक विदेशी कंपनियों का सवाल है वे रक्षा मंत्रालय से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं कि जो इन पर विचार करेगा। आपको बता दें कि COVID-19 की वजह से सप्लाई में बाधा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी से रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में शुक्रवार को आदेश भी जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि वक्त पर माल की सप्लाई अगर नहीं होती तो हर्जाना नहीं लगेगा। इस आदेश से वैसे घरेलू रक्षा उद्योग को राहत तो मिलेगी, साथ ही आपको बता दें कि जो ताजा आदेश है उसके मुताबिक उत्पादों की सप्लाई के लिए अलग से कोई समझौता नहीं करना होगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है DSRV को लेकर। विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा एक डीप समरेज रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये जो प्रणाली है पनडुब्बी के बचाव प्रणाली का काम करती है। DSRV प्रणाली में एक पनडुब्बी बचाव पोत, रिमोट ऑपरेशनल व्हीकल, साइड स्कैन सोनार और एसोसिएटेड इक्विपमेंट इसमें शामिल है। ये डूबी हुई पनडुब्बियों को बचाती है और उसके कंपोनेंट्स को अलग करके वहां तक हाई फैब्रिक चिकित्सा उपकरण भी प्रोवाइड कराती है। इसे दूर स्थानों पर पनडुब्बी बचाव अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई या फिर सड़क मार्ग से भी पहुंचाया जा सकता है। भारतीय नौसेना 2 ऐसी प्रणालियों को शामिल कर चुकी है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पनडुब्बियों को बचाव कवर प्रदान करेगी। वर्तमान में लगभग 40 देश हैं जो कि पनडुब्बियों का संचालन करते हैं, जिनमें से कुछ ही के पास ही पनडुब्बी बचाव क्षमता है। भारतीय नौसेना की तीसरी पीढ़ी की पनडुब्बी बचाव क्षमता अन्य नौसेनाओं द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में इमरजेंसी के दौरान सहायता के लिए यूज भी की जा सकती है।
दोस्तों आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत फोर्स को लेकर आ रही है। भारत फोर्स के प्रबंधन निदेशक बाबा कल्याणी ने कहा है कि वायुसेना के लिए स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना उनका सपना है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 से 6 कंपनियों के पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम जिनके पास जेट इंजन को विकसित करने का अनुभव है और तकनीक है, वे 7 सालों में एक के बाद एक टर्बोफैन इंजन विकसित करने में सक्षम है। भारत फोर्स पहले से ही रोल्स रॉयस जैसे कई एरो इंजन निर्माताओं के साथ उनके कंपोनेंटों का निर्माण भी कर रहा है और जिससे कंपनी को मेटलर्जी में काफी अनुभव भी प्राप्त हुआ है। लेकिन एक सार्वजनिक निजी कंसोर्टियम एक बहुत तेजी दर से कल्याणी में इंजन को विकसित करने में मदद कर सकता है। कुछ दिनों पहले एडमिरल अरुण प्रकाश ने आने वाले फाइटर जेट के लिए कावेरी इंजन के उत्तराधिकारी को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट का समर्थन किया था। भारत 4 लड़ाकू जेट प्रोग्राम में काम कर रहा है। कोरस जल्द ही एक नया जेट इंजन परियोजना का विकास शुरू कर सकता है और उसके लिए वो आगे भी बढ़ रहा है, जिसके लिए डीआरडीओ पहले से ही इस साल की शुरुआत में निजी कंपनियों के साथ एक टीम इकट्ठा भी कर रहा है। यानी कि दोस्तों सार्वजनिक निजी कंपनियों के साथ अब ऐसा कहा जा रहा है कि 7 साल में एक जेट इंजन भारत क्रिएट कर सकता है, यानी कि बना सकता है, और ये बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है। दोस्तों आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है रक्षा मंत्रालय को लेकर। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के सेक्रेटरी गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने कहा है कि वो एक डिफेंस सेक्टर के लिए 8 प्रपोजल बना सकते हैं। DPIIT के अनुसार जो आवेदक है उसमें आदित्य प्रीटेक, कॉनकॉर्ड हेलमेट एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स, काइनेटिक इंजीनियर सॉल्यूशंस, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव भी शामिल है। FDI को आकर्षित करने और देश में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी जो पहले FDI नीति थी उसमें ढील दी है, क्योंकि भारत अपने सैन्य हार्डवेयर का 70% आयात करता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में एक ई कॉन्क्लेव में कहा कि रक्षा विनिर्माण में FDI के मापदंडों को क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% FDI की अनुमति देगा। वर्तमान में FDI नीति के अनुसार रक्षा उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है और ऑटोमेटिक मार्ग के तहत 49%, जबकि उससे परे यानी कि 100% के लिए सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। दोस्तों आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि HAL बेंगलुरु की मददगार नैनो एरोस्पेस लिमिटेड अब इसरो के मिशन में साथ देगा। इसरो की 5 सदस्यीय टीम ने कंपनी के निर्माण इकाई को लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और GSLV के मोटर में प्रयोग होने वाले लूम के निर्माण के लिए उसे उपयुक्त पाया है। इसरो की 2 संस्थाएं LPSC और VSSC हैं। इन संस्थाओं की 5 सदस्यीय टीम ने दिसंबर में कंपनी में लूम की निर्माण की सुविधाओं का जायजा लेकर अपने जो मापदंड था उन पर ऑडिट किया था। तकनीकी ऑडिट में निर्माण इकाई उपयुक्त पाई गई। इसके लिए अब कमर्शियल प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.के. मिश्रा का कहना है कि लॉन्च व्हीकल में ट्रैप ऑन मोटर लगती है। सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी को लॉन्च व्हीकल में प्रयोग होने वाले लूम के उत्पादन का ऑर्डर मिल सकता है। कंपनी ने लॉकडाउन में भी काम करके लूम का निर्माण किया है। आपको बता दें कि कंपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर और तेजस लड़ाकू विमान के लिए जुलाई 2017 से लूम का निर्माण कर रही है। करीबन 2000 से ज्यादा लूम ये कंपनी HAL को डिलीवर कर चुकी है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के 10 सेट ढांचे भी हैं जो 31 मार्च तक भेजे जा चुके हैं। कंपनी ने इन ढांचों का निर्माण सितंबर 2018 में शुरू किया था। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।